आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, प्लीज टाइम मैनेजमेंट का ऊपर कुछ बता दो, नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तुमने एक तो पता नहीं ये भारी सा बट कहां से सीख लिया टाइम मैनेजमेंट। अब से मैं तुम्हारी जगह होता मैं क्या करता, बात कर रहा हूं, हो सकता है कोई 6 बजे आ रहा हो तो उसको अब जी कभी बैकलॉग बन गया, स्कूल का एग्जाम है, इन सबको तुम कैसे मैनेज कर सकते हो। फटाफट नोट्स देख के एक बार देख लूंगा क्या पढ़ा है टीचर ने। भैया सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, प्लीज टाइम मैनेजमेंट का ऊपर कुछ बता दो, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बता दूं। ठीक है, स्कूल रहता है तुम्हारा सुबह, ठीक है 8 घंटे तुम्हारा स्कूल हो गया। ठीक है, अब समझना तुम सुबह 6 बजे उठे, ठीक है चलो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर तुम लोग बहुत पूछते हो तो उसके ऊपर आज चर्चा कर ही लेते हैं, करूंगा बस 2 मिनट आर्यन के बात पे बात कर लेते हैं। दोस्तों देखो यार, टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, तुमने एक तो पता नहीं ये भारी सा बट कहां से सीख लिया टाइम मैनेजमेंट, तुम लोग के छोटे छोटे काम है तुमको बस उसको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से, सबसे मैं तुम्हारी जगह होता मैं क्या करता, अगर सबसे पहले अपन देखते हैं अपन को क्या क्या करना है। ठीक है, तो अपन को 8 घंटा स्कूल जाना, तो सुबह 5 बजे उठे, सुबह 5 पर उठे। ठीक है, अब तुम्हें 8 घंटे स्कूल जाना, तो मानो 7 बजे स्कूल स्टार्ट हुआ तो भैया लगा लो मोटा मोटा तुम 8 घंटा, भाई नहीं भी मानो तो 2 बजे 3 बजे तो मैक्स टू मैक्स स्कूल से वापस आ गए। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई 6 बजे आ रहा हो तो उसको अपन नहीं काउंट कर रहे हैं अभी। ठीक है, 2-3 बजे तुम आ गए। अब भैया 3 से 4 तुमने भैया रेस्ट वेस्ट करा, तुम्हारी जगह होता मैं ये करता। ठीक है, 3 से 4 तुमने रेस्ट वगैरह करा। ठीक है, अब बच गए भैया, रेस्ट करा, खाना वाना खाया, अब बच गए भैया 4, है ना। 4:15 बजे तुम अपनी क्लास के लिए रेडी हुए, 4:30 तक रेडी भी हो गए प्लस रिवीजन भी कर लिया। रिवीजन मतलब क्या ध्यान देना। ठीक है, 15 मिनट 10 मिनट तुमने फटाफट जो पुरानी क्लास में पढ़ाया गया था उसको एक बार फटाफट देख लिया, सो दैट नेक्स्ट क्लास पढ़ते समय एकदम तुम्हारा तुमको सब कुछ क्लियर है। अब भाई 4:30 से भाई 8:15 तक तुम्हारे ख्याल से तुम पैक रहते हो, एकदम तुम पेटी पैक रहते हो। ठीक है, रिलैक्स करे, इसके बाद 1 घंटा तुमने मानो 9:30 तक रिलैक्स करा, 9:30 तक तुमने क्या करा, रिलैक्स करा। ठीक है, अब ये एक दिन ऐसा नहीं कि हर दिन ऐसा करना है। ठीक है, 9:30 तुमने रिलैक्स करा, तुम्हारे लिए रिलैक्स का टाइम भी, फोन चलाया, खाना खाया, जो करना वो करा। ठीक, अब 1 घंटा 2 घंटा फिर से तुमने समय निकाला, मानो 1 घंटा तुमने समय निकाला, 1 घंटा काय के होना चाहिए, DPPs प्लस स्कूल के होमवर्क के लिए होना चाहिए, स्कूल के होमवर्क के लिए होना चाहिए। ठीक है, और फिर सो जाओ। पर अब यहां पे तुम्हारा मेन मुद्दा है कि गुरुजी कभी बैकलॉग बन गया, स्कूल का ज्यादा होमवर्क मिल गया, क्लासेस लंबी खिंच गई, एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई, DPP का बैकलॉग बन गया, स्कूल का एग्जाम है, इन सबको तुम कैसे मैनेज कर सकते हो। वो सुनो अब मेरी बात, कभी कभी मैंने ये वाली क्लासेस स्किप करी, कभी कभी बस कभी कभी, जब जरूरी नहीं है। और ऐसा होता है कई बार, होता है कि नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि भैया जरूरी नहीं है SSC की क्लास लेना, ये मैथ की क्लास लेना, ये मुझे आता है ऑलरेडी, फटाफट नोट्स देख के एक बार देख लूंगा क्या पढ़ा है टीचर ने, भैया मुझे पहले से आता है ये। इंग्लिश हिंदी हम लोग अक्सर बाद में पढ़ते हैं, तो कभी कभी वो वाली क्लासेस नहीं करी। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो यहां से टाइम बचता है।